और जैसे कि देख सकते हैं हम रेडी हो चुके हैं, मैं और पुलकित। और बाहर का मौसम आज ले में बारिश हो रही है, कल रात से ही बारिश शुरू हो गई थी। तो आज हम जा रहे हैं करदुंगला टॉप। वैसे तो नुब्रा वैली तक जाने का प्रोग्राम है, पर जो यहाँ पे होटल का मैनेजर है वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे बारिश हो रही है तो करदुंगला टॉप पक्का ही बंद होगा, क्योंकि वहाँ पे स्नोफॉल हो रही होगी। तो देखते हैं हम कहाँ तक जा पाते हैं। और ये हमारा होटल है, लोटस होटल, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है। अगर आप भी कभी यहाँ पे आएँ ले तो इस होटल को ज़रूर विज़िट कीजिए, क्योंकि यहाँ का जो स्टाफ है बहुत ही हेल्पफुल है, और जो यहाँ के ऑनर हैं वो ख़ुद बहुत हेल्पफुल हैं। वो मतलब पूरा आपको गाइड करेंगे। अगर आपने कहीं यहाँ पे घूमने के लिए आपको पास चाहिए, जैसे करदुंगला टॉप या कहीं पे भी जाने के लिए, तो ये आपको पूरा असिस्ट कर देंगे। और जो यहाँ के मैनेजर हैं उनका नाम है राजकुमार जी, बहुत ही अच्छे हैं, वो भी हेल्पफुल हैं। उनके साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आज करदुंगला जाने से पहले जो पास था वो भी इन्होंने हमें बनवा के दे दिया, और जो वहाँ जाने से पहले एक ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाना मतलब ठीक रहता है, अगर आप साथ में ले जाएं, वो रेंट पे मिलता है। ऐसे बाहर वो 2,000 रुपये में मिलेगा आपको, लेकिन यहाँ पे होटल वालों ने हमें 1,000 रुपये में वो दिया है रेंट पे। अगर आपको करदुंगला टॉप पे कहीं पे भी सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होती है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, अगर नहीं भी यूज़ करोगे तो भी आपको पे करना पड़ेगा। तो मिलते हैं दोस्तों, थोड़ी देर में हम निकलेंगे करदुंगला के लिए। ब्रो ओके बाय। बाय। तो हम जा रहे हैं और ये यहीं पे रुक रहे हैं। एक दो और तीन, तीनों की तीन फॉर्च्यूनर होटल में यहाँ पे अभी। व्हाट अ कोइंसिडेंस। चल 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 देख सकते हैं आप, हम निकल चुके हैं करदुंगला के लिए। वो सामने टॉप दिख रहा है, वहाँ पे स्नोफॉल हो रही है, बारिश भी हो रही है हल्की हल्की, और ऊपर बर्फ़ गिर रही है। अभी चलो ऊपर चल के देखते हैं क्या सीन है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम करदुंगला की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ पे बिल्कुल सिंगल रोड है। हालांकि रोड पूरा आपको टारमैक मिलेगा, फिर भी आप थोड़ा स्लो ही चले तो ठीक है। आप देख सकते हैं बर्फ मिलना शुरू हो गई है, बहुत ही ज्यादा धुंध है, बीच में कुछ भी नहीं दिख रहा आगे क्या आ रहा है क्या नहीं। काफी टूरिस्ट जा रहे हैं। यहाँ जब भी आप आओ तो ज़्यादा एक्टिविटी ना करो, मतलब जितना कम हो सके उतनी एक्टिविटी करो। प्लीज़ ड्राइव केयरफुली। ये देख सकते हैं आप, ये ट्रैवलर है, ये इन्होंने एग्जांपल के तौर पे लगाई हुई है यहाँ पे। क्या हाल हुआ है इसका, बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे। बहुत ही ज़्यादा हाइट पे आ चुके हैं हम, मतलब अब तो बादल भी नीचे दिखाई दे रहे हैं कि
वो रहे नीचे बादल, और हम और टेम्परेचर भी आप देख सकते हैं 1 डिग्री आ गया यहाँ पे। मीटर में भी स्नोफॉल का ये लोगो दिखा रही है। करदुंगला टॉप पहुँच चुके हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे सिग्नल भी है। हम भी यहाँ पे फोटो खिंचवा के निकल लेंगे, ज़्यादा देर यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे थोड़ी कम होती है। भीड़ देख सकते हैं आप, यहाँ पे तो गाड़ी खड़ी करने तक की जगह नहीं है। देख सकते हैं दोस्तों कितनी भीड़ है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट आया हुआ है। लॉक कर दी। बहुत ही ज्यादा भीड़ है दोस्तों, और स्नोफॉल भी हो रही है यहाँ पे। बड़ी मुश्किल से हमने अपने फोटो क्लिक किए यहाँ पे, बहुत ही ज्यादा भीड़ है मतलब। तो अब हम यहाँ से नीचे की ओर उतरेंगे, देख सकते हैं आप नीचे तक रोड। सब वाइट हुआ पड़ा है यहाँ पे, हल्की हल्की स्नोफॉल भी हो रही थी करदुंगला में, खारदुंगला में। बिल्कुल फ्रेश स्नो है ये, देख सकते हैं आप, स्नोफॉल होनी शुरू हो गई है यहाँ पे। बिल्कुल ही अलग टेरेन शुरू हो चुकी है। अच्छा बुढ़ा पार्क था ये, सोलिंग बुढ़ा पार्क। आर्मी एरिया है और फ्रेश वाटर ऊपर से आ रहा है बर्फ वाला पिघल के। हाँ करदुंगला से आगे आपका पास चेक होगा गाड़ी का, देख सकते हैं आप। अभी पुलकित किया है पास दिखाने के लिए अपना। अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप रोड थोड़ा कच्चा है पर इसमें खड्डे नहीं है, जल्दी ये रोड बन जाएगा और आप साइड में व्यू चेकआउट करो। ऑसम, नुब्रा वैली की ओर जा रहे हैं हम। फ्लैटलैंड्स देखो। तो अभी हम पहुँच चुके हैं खारदुंग, इस विलेज का नाम है खारदुंग और ऊपर जो पास है उसका नाम है खारदुंगला। अभी यहाँ से खारदुंग विलेज से जो किट मोनिस्ट्री है वो है कितने किलोमीटर यहाँ से, 44 किलोमीटर है यहाँ से दिस किट मोनिस्ट्री।
और वहाँ से फिर अगर आपने नूबरा वैली जाना है तो वो है 75 किलोमीटर। चलो देखते हैं कितना कवर कर पाते हैं हम। देख सकते हैं आप कितना प्यारा व्यू है। अभी यहाँ पे दो चार फोटोएं क्लिक करेंगे फिर चल निकलेंगे। वो सामने रोड है और हमने ये शॉर्टकट ले लिया है ऑफ रोड। 4x4 गाड़ी होने के फायदे, वैसे वहाँ से आना पड़ता। देख सकते हैं आप नज़ारे ही नज़ारे। कि आप देख सकते हैं ये है डबल हम्प, मंगोलियन कैमल्स भी बोलते हैं इनके। पीठ पे दो हम्प होते हैं, वैसे राजस्थान साइड जाओगे वहाँ पे सिंगल हम्प वाले होते हैं, ये मंगोलियन कैमल्स हैं। और वो रही मोनेस्ट्री जहाँ हम जा रहे हैं। हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है, 2 मिनट में पहुँच जाएंगे। तो सामने आप देख सकते हैं ये है दिस्कित गोम्पा। और दोस्तों हम पहुंच चुके हैं दिस्कित मोनेस्ट्री। बारिश लगी हुई है यहाँ पे। सो दिस इज द स्टैचू, देख सकते हैं आप कितना ह्यूज है। वाओ मैन, जबरदस्त फीलिंग भाई साहब, जबरदस्त। मस्ट विजिट, अगर आप आते हो तो यहाँ जरूर आए। खड़ा हो जा गिफ्टू। यहाँ पे हम रुके थे थोड़ी देर मैगी खाने के लिए, हमने बहुत भूख लगी थी। अभी मैगी खा चुके हैं और आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर हो चुका है मौसम। यहाँ पे धूप निकली हुई है पर अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है, यू कैन सी। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल बनाया है दोस्तों। यहाँ पे मैं गाड़ी खड़ी करके अभी एक फ़ोटो भी लूँगा। क्लियर होने के बाद बहुत ही अच्छा हो गया है यहाँ पे, देख सकते हैं आप। यहाँ पे ना 2 मिनट बाद आपको ना सीनिक व्यू मतलब चेंज हो जाते हैं। 2 मिनट बाद आपको वहाँ पे कुछ अलग दिख रहा होगा, 2 मिनट बाद कुछ और हो जाएगा। बहुत ही ब्यूटीफुल है।
दीक्षित मोनेस्ट्री जा घूम फिर के और नुब्रा वैली घूम फिर के वापस हरदुंगला आ गए हैं। देख सकते हैं इस टाइम भीड़ भी बहुत कम हो चुकी है, पहले जब सुबह आए थे तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे। नो वी कैन टेक ए पिक्चर। तो हम घूम फिर के आ चुके हैं दोस्तों बैक टू आवर होटल। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। अभी देखते हैं कल पेंगोंग जाएंगे कि नहीं, मे भी कैंसिल ही हो जाए क्योंकि घर जाने के लिए भी थोड़े लेट हो जाएंगे नहीं तो।